राम राम सगड़ा ने, मैं सुदेश थे, देख रहा हूँ झलको बीकानेर। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कल दोपहर की बात है, 2 बजे के करीब 40 भेड़ा पर 11,000 वोल्टेज की तार गिरी और भेड़ा है जो 40 भेड़ा मौके पर ही ख़त्म हो गई। सांवरदा निवासी इब्राहिम खां गए है जिसकी घटना हुई है। इब्राहिम खां भेड़ा चरान गेड़ा, मौके पर विद्युत विभाग का कर्मचारी और पुलिस प्रशासन पहुंचो और मौके पर रिपोर्ट है जिकी हुई 11,000 वोल्टेज की जो कि लाइन है वह गिर गई और 40 भेड़ा है जो कि मौके पर ही ख़त्म होगी। और जो को प्रशासन है विद्युत विभाग का जगह कर्मचारी आश्वासन दियो है कि ये 40 भेड़ा की जो कि भरपाई है वह जरूर है जो कि पूरी करी कराई जाएगी और जरूर है जो कि कार्रवाई है जो कि करी जाएगी। और इन सागे सागे एक आप बात करी पूर्व लाइन में जगह बैठेगा हा, लेकिन अभी वे खाजुआड़ा GSS में ही है, बहु आप बात करी तो वो थे अंश सुनो कि आप मौके पर बे बड़े मौजूद हा और भी जगह मतलब के वार्तालाप हुई, के बातचीत हुई, क्या आ घटना हुई, तो बातें बात सुनो। तो आप कल 41 भेड़ा जो की मरी है बा के घटना है भी विस्तारित रूप में बता सको थोड़ी बहुत? नहीं विस्तारित रूप बिया नॉलेज में को नहीं, लेकिन बठे बिया जके सब घटना है हमारे विभाग ने मिली है अभी सब हुई है। वो आंधी को मौसम हो पहला आज 2-3 दिन पहला अच्छा बिंग कार ने हो सके पेड़ांगे कार ने या की वजह में तारा तूरा ये जो ढीली ही अच्छा तो बैठे बे पशु चालक जाओ था खेत हो तार तूर टूट गई। तार टूटनी तो आम बात है, कठे दिक्कत है वह स्पार्किंग हो जाए या आंधी की वजह गिर भी सके मोटी बात को नहीं। तो बातार गिरी और बिंगी चपेट में कुदरती आनो और बे आ गया, नुकसान ही हुआ बेचारा। जका मालिक है बांग कोई नुकसान तो कोनी, खुद गए? हाँ नहीं खुद गए तो कोनी, बांग भेड़ा आलेंगे यो है अच्छा मालिक अच्छा के कोई जन आनी कोनी हुई, लेकिन बंगे भेड़ा के पशु पशुपालक गए बांगे। और भेड़ा वगैरह उठा ली गई है बीच गया या बठी पड़ी है? नहीं भेड़ा को देखो पक्को कंफर्म कोनी, अच्छा पक्को भेड़ा तो कंफर्म के कोनी, शायद शायद ही उठाई हुआ है, भेड़ा जे नहीं उठाई हुआ है। अच्छा। और केस वगैरह दर्ज हो या के हाँ मतलब नहीं विभाग? बिल्कुल बिल्कुल भी चीज में FIR भी दर्ज हुई है और हमारे विभाग का अधिकारी वह भी गया बन जो भी मुआवजो बढ़न लाग रो है बांगे गवर्नमेंट की तरफ जो भी दे है बांगो नियम के हिसाब भाई कागज वगैरह एकदम पूरा कर गए बन गवर्नमेंट की तरफ सहायता दी जाएगी। अच्छा। और थारे अंडर में आवे के बा लाइन जकी लाइन टूटी है? नहीं आपने अंडर में कौन आवे बे पंकज जी गोदारा है लाइन मैन अच्छा 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 बांगे अंडर में आवे वो पहला मारे अंडर में आऊं तो जी। बिनला एरियो लेकिन अब वो फीडर चेंज हो गया। तो आ बात थे सुनी आ पूर्वज का लाइनमैन हा और बा बतायो अभी खाजुड़ा GSS के मायने आगे ड्यूटी है, तो आप बतायो कि किस प्रकार हुए हैं जिकी घटना हुई, 40-40 की बेड़ा हैं बे मर गए बैठे खाक हो चुकी है। मैं मारा सूत्रांग वाला हूँ, खबर निकालने की कोशिश करी है कि 40 की बेड़ा ही बे भेड़ा का जगह सब हाँ बे उठाया जा चुके हैं अभी और बन उठाया जा चुके हैं और कार्रवाई जो है जो संतुष्टजनक है, जो बन आश्वासन दियो है कि जल्दी जल्दी जो किया कार्रवाई कंप्लीट होगी और कार्रवाई पूरी होगी। और इन इस आगे प्रशासन भी मुस्तैद है और FIR दर्ज भी बतावा है कि कर ली गई है और जबकि बिजली विभाग है बस संतावना दी है कि जरूर है जबकि भरपाई करी जाएगी। तो अब इन बारे में थारी कमेंट करके राय जरूर बताया कि आस पास है कोई पशु चारक है कोई अगर व्यक्ति और था नजरा में अगर चरा रहे है और ऊपर अगर तारा है तो ध्यान रखो थोड़ी सी तारों पास से चराओ क्योंकि आंधी को जो मौसम चल रहे इन वजह कभी भी कोई लाइन है जबकि टूट सके। गनीमत आ रही ई घटना के मायने कि खुद जगह पशु चारक हा बेसुरक्षित था बे साइड में हा बे बच गया बन कोई हानि कोनी हुई, लेकिन बांगा 40 पशु भेड़ा मर गई बैठे। और मैं उम्मीद करा कि जरूर GSS है या विद्युत सप्लायर है बे ई बात पर गौर करेगा और जो कुछ भी मिले वो बन दिलाने की कोशिश करेगा। मौके पर बैठेगा सरपंच हा बे भी पहुँच गया और सरपंच है जगह आपके देख रेख में कार्रवाई करी है और संतावना भी दी है और कई मोटा लेवल का अधिकारी हा बे भी पहुँच गया। और ई वास्ते सागे सागे जगह अभी बे पशु चारक है बे आपके घरे आ गया सामरदा निवासी बताया जाओ है, सामरदा का सपा से कोई घर है बटे बताया जाओ है बे बटे बैठन चरण भी गेड़ा हाँ। थारी कमेंट करके राय जरूर बताया थाने के कहना है ई कार्यक्रम पर और के हो सके ई कार्यक्रम पर थारो के विचार है स्पष्टीकरण है के है और क्या आगे मदद हो सके थे जरूर बताया। और मैं बड़े जागे भी बाहू मिलने की कोशिश करांगा, फिलहाल मैं बिजी है कार्रवाई के अंदर, मैं कोशिश करी मांग नंबर भी माने मिल जाएगा थोड़ी देर में तो मैं कोशिश करेंगे 1-2 दिन में पहुंचने की। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।